जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और एसएससी जीडी के पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप लोग का एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है। मेन मेरा मकसद है एसएससी जीडी का एग्जाम को लेकर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एसएससी जीडी का जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 2024 का जो भी नियम है, मैं वो नियम आप लोग को बताने जा रहा हूँ। आप लोग जीडी में एग्जाम देने से पहले आप लोग वीडियो देख के जाइए और अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए। आपका एक क्वेश्चन ये है कि देखिए, एसएससी जीडी का एग्जाम आपका कब है? आप लोग को पता है सेंटर, आप लोग सबको इसी को पता हो गया होगा। आप लोग अब एग्जाम देने की तैयारी में होंगे, तो आप लोग को मैं बता दूं कि देखिए, सब किसी का सेंटर 400-500 किलोमीटर दूरी पर होगा। तो सब किसी को मैं बता दूं कि आप लोग 1-2 दिन पहले आप एग्जाम सेंटर पे जाइए, अपना पूरा रिलैक्स हो जाइए, अपना सेंटर वगैरह देख लीजिए। क्योंकि कोई ऐसा ऐसा सेंटर इंस्टीट्यूट होता है, कोई स्कूल कॉलेज तो होता नहीं है, और इंस्टीट्यूट को खोजने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो इसलिए आप लोग समय से अपने सेंटर पे जाइए और आसानी से अपना खोज लीजिए सेंटर, और वहां पे जाकर रिलैक्स होकर ही एग्जाम दीजिए। क्योंकि आप लोग का एग्जाम ये ऑनलाइन है, सब किसी को पता है आप लोग का एग्जाम सेंटर 400-500 किलोमीटर पे ही रहता है ये। तो मैं आप लोग बता दूं कि आप लोग का जो साधन है वो ट्रेन है, ट्रेन आप लोग का साधन है। क्योंकि आप लोग एग्जाम देने के लिए समय से जाना चाहते हैं, तो आप समय से ट्रेन को पकड़िए और समय से एग्जाम सेंटर पे जाइए। अब एक क्वेश्चन है, देखिए, आप जब भी अपने एग्जाम सेंटर पे जाइए तो अपना आईडी प्रूफ लेके जाइए। अपना आईडी प्रूफ भूल के भी मत छोड़िएगा, क्योंकि वहां आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। बिना आईडी का आप लोग को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए आप आईडी में वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, किसी में से एक आपको लेके जाना है, जाना है। आप लोग ओरिजिनल लेके जाइएगा, फोटो कॉपी मत लेके जाइएगा, फोटो कॉपी भी रख लीजिएगा और ओरिजिनल भी रख लीजिएगा, ये आपको लेके जाना ही है। आपको आपको अंदर पेन वगैरह लेके नहीं जाना है, पेन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जूता पहन के नहीं जाए, जूता अगर बाहर आप जा रहे हैं एग्जाम देने, जूता पहन के जाइएगा, जूता आपसे निकलवा दिया जाएगा। कोई भी आपको एक्स्ट्रा सामान लेके नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए आप लोग पूरा फ्री होके जाइएगा एग्जाम देने, एग्जाम सेंटर समय से जाइएगा, और ज्यादा अपना महंगा सामान अपना लेके मत जाइएगा। क्योंकि आप लोग का एग्जाम अपने स्टेट से कुछ दूरी पे होता है, 500 किलोमीटर जाना है, तो आप लोग महंगा सामान अपने साथ लेके मत जाइएगा, खो भी सकता है, भूल भी सकता है। और एक आपका है कि प्रश्न कितना रहेगा, तो देखिए, प्रश्न तो आपको पता है कि एसएससी जीडी में प्रश्न कितना रहता है। आपको 2024 के नियम के अनुसार आपको पता है, आपको समय दिया जाए, आप ध्यान रखिएगा। आपको वहां जो आप एग्जाम दीजिएगा तो आपको डिस्प्ले पर समय भी दिखाया जाएगा। आप लोग समय का ध्यान रखिएगा, अपने क्वेश्चन को सही से हल कीजिएगा, कम समय में हल कीजिएगा तो और बेटर रहेगा। समय का पूरा महत्व का ध्यान रखिएगा। आपको डिस्प्ले पर एग्जाम का जो टाइम होता है वो टाइम आपको दिखाया जाता है, तो पूरा समय का ध्यान रखिएगा। और ये कहे आपका टाइम कितना देगा, तो टाइम मैंने बता दिया आपका। और सिस्टम पे कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा, पैर जो आप नीचे रखते हैं पैर पे ध्यान रखिएगा कि सिस्टम पे पैर लड़े नहीं, तो सिस्टम पर पैर लड़ेगा तो ऑटोमेटिक सिस्टम आपका बंद हो जाएगा, बंद होगा तो फिर आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप लोग वहां से सही से एग्जाम दीजिएगा। आपको लैंग्वेज जो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा, हिंदी लैंग्वेज में देना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें अधिकतर स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी एग्जाम देते हैं, तो हिंदी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा उस डिस्प्ले पे तो आपका हिंदी में आएगा, यानी कि जो भी क्वेश्चन रहेगा आप पढ़ लीजिएगा आसानी से, उसको हल कर दीजिएगा, सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ आएगा। और इस सिस्टम को छेड़छाड़ नहीं करना। आपका क्वेश्चन रहेगा मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, हिंदी रहेगा और सामान्य ज्ञान रहेगा। इसमें आपको हल कैसे करना है मैं ये बता दूं। सबसे पहले आपका इसमें जो क्वेश्चन सेट किया जाता है, तो ऐसा सेट किया जाता है कि मैथ रीजनिंग ऐसे इधर उधर से क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि मैथ में ज्यादा समय अभी बर्बाद नहीं करें, मैथ उसी को में समय कुछ लगाइएगा सबसे पहले, जो आपको पूरा का पूरा इजी प्रश्न हो, नहीं तो उसमें ज्यादा मैथ पे अभी फोकस मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको हिंदी है, रीजनिंग है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है सबसे पहले जो आपको आ रहा है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है, इसमें आपका नंबर भी कट सकता है, कटेगा ही कटेगा, इसमें सकता शक्ति का बात नहीं है इसमें। इसलिए आप लोग जो आपको प्रश्न आ रहा है उसको सबसे पहले आप बना लीजिएगा, उसको रंग दीजिएगा, घेरा लगा दीजिएगा, और
सबसे पहले लास्ट में जो आपका मैं जो क्वेश्चन आपका लास्ट में फंस रहा है उस क्वेश्चन को लास्ट में आप हल कीजिए अपने सिस्टम को स्क्रॉल करके और उसको हल कीजिए और उसका जवाब दीजिए। लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिएगा। आपका हिंदी है, इजी है, रीजनिंग है, सामान्य ज्ञान है, लास्ट में आप मैथ पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप एक मैथ पे अगर पढ़ गए ना तो आपका समय पूरा बर्बाद कर देगा मैथ, क्योंकि मैथ का ऐसा प्रश्न उसमें होता है कि जो आपको लगेगा कि हमसे बन जाएगा, लेकिन जब बनाने जाइएगा तो क्वेश्चन फंसता है, क्वेश्चन फंसेगा, जो क्वेश्चन फंसेगा उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, एक ही क्वेश्चन में लगे मत रहिएगा क्योंकि आपका समय बर्बाद हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको आने वाला भी है वो क्वेश्चन को भी आप हल नहीं कर पाओगे, इसलिए आप लोग जो क्वेश्चन फंसने वाला है उस क्वेश्चन को छोड़िए। जो आपसे बन रहा है सबसे पहले अपना नंबर लाइए, नंबर बटोरिए, जितना नंबर का आपका क्वेश्चन बन रहा है पहले उस पर फोकस कीजिए, लास्ट में आप मैथ को हल कीजिए क्योंकि आपके पास समय बचेगा। अगर आप एक मैथ के पीछे पड़ गए तो समय आपका खत्म हो जाएगा, फिर आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग समय का ध्यान रखिएगा और जो भी प्रश्न आपको आ रहा है सबसे पहले उसको आप बनाइएगा। सबसे पहले क्या बनाया मैंने बता दिया, एग्जाम सेंटर क्या लेकर जाना क्या नहीं लेकर जाना भी मैंने बता दिया, और क्या पहन के जाना है क्या नहीं पहन के, आपको घड़ी वगैरह पहन के नहीं जाना है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक सामान सब पहन के नहीं जाना है, आपसे सब निकलवा दिया जाएगा, तो इसलिए आप लोग ये सब पे ध्यान रखिएगा। बस यही मैं आप लोग को बताना चाहता था। आप लोग SSC GT के एग्जाम अच्छे से दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस जय हिंद, जय भारत।